दामोदर स्वरूप पार्क में पराग फैक्ट्री से निकाले हुए कर्मचारियों ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य को ज्ञापन दिया और उनके हक की लड़ाई लड़ने की मांग की। इस पर जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पराग फैक्ट्री भेजकर उच्च अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। पराग दूध फैक्ट्री कर्मचारियों ने बताया, हम सभी कर्मचारी वर्ष 1994 से 95 तक दुग्ध संघ बरेली में स्थायी रूप से कार्यरत हैं। वर्ष दिनांक 10 फरवरी 2010 को तत्कालीन सामान्य प्रतिबंध बीपी सिंह द्वारा अपनी हठधर्मी के कारण दुग्ध संघ के कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बंद कर दिया गया। वर्ष 2013 में तत्कालीन जिला अधिकारी बरेली अभिषेक प्रकाश के अथक प्रयास से आपकी सरकार द्वारा 109 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर उक्त दुग्ध संघ बरेली का कायाकल्प कर पुनः चालू किया गया। 2013 में प्लांट पुनः चालू होने पर कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को मनमाने ढंग से कार्य पर ले लिया गया। संघ के कार्य से वंचित कर्मचारीगणों की आर्थिक स्थिति दयनीय है एवं भुखमरी के कगार पर है, जिनमें से कुछ कर्मचारियों ने धन एवं सुविधाओं के अभाव में आत्महत्या कर ली, कुछ ने फांसी लगा ली, कुछ की बीमारी के चलते मौत हो गई एवं कुछ नौकरी के सदमे में हार्ट अटैक से प्राण त्याग कर अपने परिवारों से जुदा हो चुके हैं। बाकी कर्मचारी भी भुखमरी के कगार पर है तथा बच्चे शिक्षा से वंचित है। अजय जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए, देखें ज्ञापन एक आपको दिया गया है, क्या वजह है, थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, सारा जो मामला है ये पराग दूध फैक्ट्री जो यहाँ पे करगैना पे स्थित है उसका है। ये सभी लोग पराग दूध फैक्ट्री में 1994-95 और उससे पुराने से भी कार्यरत थे। जो 2010 में जो पराग दूध फैक्ट्री जब बंद करी गई, उसके बाद जब 2013 में अभिषेक मिश्र जो प्रकाश जी की उसमें सपा सरकार में 109 करोड़ रुपए उसको देके जब दोबारा चालू कराई गई, तब वहाँ पे तत्कालीन इन सब लोगों को हटा दिया गया, इन सब कर्मियों को। और आज भी इन बेचारे कर्मियों की ना कोई पेंशन आ रही है, ना कोई एक रुपए की किसी भी तरीके से फैक्ट्री की कोई मदद नहीं हो रही है। हम सब लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, आप लोगों ने भी हड़ताल, भूख हड़ताल तक पे बैठे हैं, अनशन भी किया है, आज हम लोगों ने भी मांग उठाई है। अब हम अपना ये सारा मुद्दा, सारा सिर अखिलेश यादव जी की नज़र में लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको स्वीकृति करी थी दोबारा इसको पुनः चालू करवाने की। और आज इतने सारे मेंबर, इन्होंने हम लोगों को ये ज्ञापन भी दिया है, ये इन्होंने विद अपने नाम और जिस पद पे थे उन्होंने अपने पद सहित सबके नंबर और हस्ताक्षर हैं इसमें, नंबर भी हैं। इन्होंने अपनी इस व्यथा को जताते हुए आज समाजवादी पार्टी की तरफ आस्था जताई है। इन्होंने उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाने का काम करेगी और इन सब लोगों को उनका हक दिलाने का काम करेगी। आपने संपर्क किया कि क्या कोई तकनीकी दांव पेश है, किस लिए? मैंने जीएम से मैंने बात करी थी, तो अभी तक का अभी परसों ही एक और नए जीएम का ट्रांसफर हुआ है। अभी जो पुराने, उनसे पहले जो जीएम थे मेरी, उनसे बात हुई थी। जीएम ने ये कहा था कि ये जो कमिश्नर हैं इनके, जो दुग्ध के कमिश्नर हैं जो लखनऊ बैठते हैं, कि उनके पास पेज फंसा हुआ है। तो मैंने उनसे सीखी, मेरी बहस भी हुई थी, मैंने कहा आपका जो पेज फंसा हुआ है वो गरीब किसान मजदूरों पे क्यों लगा हुआ लागू है, जो आप सब लोग ये तो वहीं के सब श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वहीं पे काम करते थे, आप अपने कर्मचारियों को नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरी उनसे ये भी बहस हुई, मैंने कहा आप लोग तो अपने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं लेकिन इन पे आय का एक भी स्रोत नहीं है, किसी भी एक रुपए की मदद कम फैक्ट्री नहीं कर रही है आप लोगों की। आप ये सोचिए 2010 से 2021 मध्य हो गई, कैसे इन लोगों ने अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, साथ में ये जानना चाहेंगे, आप देख रहे काफी संख्या में यहाँ पर आए हैं, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को आपने ज्ञापन दिया है, क्या दिक्कतें हैं, कब से ये चली आ रही है? ये सबसे बड़ी दिक्कत ही हम लोगों को, ये फैक्ट्री 2010 में बंद हुई, 2013 में ये पुनः चालू हुई और चालू होने के उपरांत में तत्कालीन डीएम महोदय अभिषेक प्रकाश जी के नेतृत्व में ये कहा गया था कि एक माह के बाद सारे कर्मचारियों को कार्य पे ले लिया जाएगा। उस समय 108 एम्प्लाइज थे, लेकिन हम कर्मचारी गण को आज तक जितने भी जहाँ पर जीएम महोदय आए हैं उन्होंने किसी ने कार्य पर नहीं लिया है, जबकि बाहर के जो कर्मचारी हैं शाहजहाँपुर पीलीभीत बदायूं का स्टाफ है वो हमारे दुख संघ में कार्य कर रहा है। और हमारे यहाँ के जो स्थायी कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनसे सेवा कराया जा रही है, संविदा के तौर पर जो सेवा किया जा रही है उनके बच्चों से कार्य किया जा रहा है, मतलब हम लोगों को कर्मचारियों को कार्य पर नहीं लिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि साहब हम लोग जो है कैसे भी हम लोगों को रोजी रोटी मिल जाए, हमारी नौकरी ज्वाइन हो जाए, हम लोग सब स्थायी कर्मचारी हैं, हम लोग कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं है।
कितने कर्मचारी लगभग 45-50 के आसपास कर्मचारी हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी ये कहते हैं कि वो आप तो शासन जाओ, शासन में दो सचिव जो होते हैं वो आपका निराकरण करेंगे, हमारे बस का नहीं है, कमिश्नर साहब इसका निराकरण कर पाएंगे। अधिकारी ये कहते हैं कि हम आपका जो है ड्यूटी पर नहीं रखेंगे, आपको आपको कार्य नहीं करते हो कि आप तमाम तरह के भेम लगाते रहते हैं, इसलिए हम आपको कार्य पर नहीं लेंगे। आप किसी अधिकारी से मिले? एक अधिकारी से नहीं मिले, हम सभी अधिकारी से मिले, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे जनप्रतिनिधियों से मिल चुके। हम समाजवादी पार्टी से ये चाहते उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मुद्दे को बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सब सारे परिवार लोगों के कई कर्मचारी मर भी गए हैं, बहुत ही ज़्यादा भुखमरी कगार पर लोग चल रहे हैं, जैसे तैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं अपना। ये पराग बसपा सरकार में क्या बसपा सरकार में ये BSP शासन काल में उसकी गलत नीतियों के कारण ये लश्को लॉकआउट कर दिया गया था, उस समय शायद आप लोगों को जानकारी होगी, माननीय अवधपाल सिंह यादव जी दुग्ध विकास मिनिस्टर हुआ करते थे, तो सर्किट हाउस में जब ये बंद हुई थी तब उनसे हमने लोगों ने जाके विनती की, तो बोले आप लोग बेकार हमारे पास आए हो, 4 बंद हो जाए 14 बंद हो, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का ये वास्तव में हम सब लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है जैसी सरकार आई उन्होंने इसको प्लांट को चालू कराया, चालू कराने के बाद में इसको 109 करोड़ रुपए इसका जीर्ण उद्धार के लिए दिया। लेकिन क्या आपकी तब से ज्वाइनिंग हो पाई? नहीं हो पाई ज्वाइनिंग, कोई ज्वाइनिंग नहीं हो पाई हम लोगों की, जबकि ना ही हम लोगों को कोई लेटर दिया गया कि साहब आपको कार्य पे लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। स्थायी कर्मचारी होने के उपरांत कार्यमुक्त किया गया था? नहीं, कोई कार्यमुक्त नहीं किया, कोई ना कार्यमुक्त का हमारे पास कोई आदेश है, ना कार्य ना लेने का कोई आदेश है, ऐसे ही मनमानी तरीके से अपना चला रहे हैं सब। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।